एक ऐसा क्वेश्चन जो हर क्रिएटर के दिमाग में और कई सारी वीडियोस के कमेंट बॉक्स में देखा जाता है कि अपनी ऑडियो और वॉइस ओवर को एडिट कैसे करें। और क्या आपको पता है कि हर सक्सेसफुल क्रिएटर की वीडियो में कुछ अच्छा मिले या ना मिले, लेकिन उसकी ऑडियो एकदम अच्छी होती है और क्लियर सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि वो अपने ऑडियो को एक अच्छे सॉफ्टवेयर की हेल्प से एडिट करते हैं। अब मैं इस वीडियो में कोई ट्यूटोरियल नहीं देने वाला, बल्कि आपको बताऊंगा चार बेस्ट ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर फॉर पीसी, जिनमें से मेरा फेवरेट तो सेकंड वाला है। तो चलो शुरुआत करते हैं अपने होकर बनाए जा रहे हैं। फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर वाली वीडियो में भी देखा था कि ज्यादातर एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स एडोब के फोटोशॉप से इंस्पायर्ड थे। आई डोंट नो व्हाई, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। वापस आते हैं सॉफ्टवेयर पर। तो नाम वेव पैड है, तो जाहिर है कि वेवफॉर्म्स देखने को मिलेंगी और बहुत सारे इफेक्ट्स और टूल्स भी दिए गए हैं, जैसे कि नॉइस रिडक्शन, नॉर्मलाइज, इक्वलाइजर और भी बहुत सारे हैं। अच्छी चीज ये लगी कि इसमें आपको वॉइस चेंजर के भी इफेक्ट्स मिलते हैं, जिससे आप अपनी वॉइस को जैसे चाहो मॉड्यूल कर सकते हो, और टूल्स भी बहुत सारे हैं, तो जहां तक है आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सॉफ्टवेयर फ्री में तो नहीं बट रहा, आप इसको $5.5 की मंथली मेंबरशिप पर यूज कर सकते हो। एक दो डाउनसाइड लगी कि जब आप अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर लोगे और जो आपकी टाइमलाइन होगी वेवफॉर्म की, उसको आप जूम करके देखोगे तो वो कुछ अजीब सी दिखाई देगी। तो अगर आप लोग डिटेलिंग में ऑडियो को या वॉइस ओवर को एडिट करना चाहते हो तो अफसोस, आप ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि कुछ समझ नहीं आएगा। इसके अलावा जो टूल्स आपको दिए जा रहे हैं, उनके काम करने का तरीका अदर सॉफ्टवेयर्स की तरह नहीं है, इसलिए शायद आउटपुट एक्यूरेसी उतनी ज्यादा अच्छी एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती इस सॉफ्टवेयर से। अदरवाइज अगर आप थोड़े बिगिनर हो और अभी अभी आपने ऑडियो एडिटिंग या यूट्यूब वगैरह में अपना करियर स्टार्ट करा है, तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए ठीक ठाक साबित होने वाला है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का सपोर्ट मिलता है, यानी विंडोज, मैक और एंड्रॉइड तीनों में यूज कर सकते हो। एक बात जो इस सॉफ्टवेयर की मुझे सबसे अच्छी लगी कि आप इसको लो से भी लो एंड पीसी या लैपटॉप में आसानी से रन कर सकते हो, एंड यही वजह है कि ये सॉफ्टवेयर हमारी लिस्ट में आ सका। डाउनलोड करने के लिए सिंपल है, गूगल पे जाकर सर्च करो वेव पैड बाय NCH, तो आप लोगों को वहां पर इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लो। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर इज ओशन ऑडियो। ओशन ऑडियो कैसे प्रोनाउंस करते हैं? ओशन ऑडियो, ओशन ऑडियो। सो ये सॉफ्टवेयर ये सॉफ्टवेयर पहली बात तो ओपन सोर्स होने के साथ साथ एकदम फ्री ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर को ओपन करते ही आप देखोगे कि इसका इंटरफेस एकदम आसान है, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको समझने के लिए। स्पेशली बिगिनर्स को मैं रेकमेंड करूंगा ये सॉफ्टवेयर, क्योंकि उनको ज्यादा दिक्कत होती है नए नए टाइम में अपने ऑडियो को एडिट करने में और सॉफ्टवेयर के इंटरफेस को समझने में। आप लोगों को करना सिर्फ इतना है कि अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करो एंड यहाँ पर एडिट करो। आपको यहाँ पर बहुत सारे टूल्स और प्लगइन्स मिल रहे हैं, एंड अच्छी बात यह है कि जितने भी टूल्स और प्लगइन्स हैं वो सब वेव फॉर्म के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। जैसा कि पिछले वाले सॉफ्टवेयर में देखा था कि वहां पर वेव फॉर्म तो थी, लेकिन जो उसके टूल्स और प्लगइन्स थे ना, वो सब वेव फॉर्म के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहे थे। थोड़ा सा यहां पर आपको एडवांटेज मिल रहा है, आप डिटेलिंग में काम कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखना कि आप ज्यादा टूल्स एक्सपेक्ट मत करना इस सॉफ्टवेयर से, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है जो कि आपके डोनेशन बेसिस पर चल रहा है। तो अगर आप लोग कुछ डोनेट करना चाहते हो और इस सॉफ्टवेयर ने आपकी लाइफ में, आपके करियर में थोड़ा भी कुछ एड ऑन किया हो, कुछ वैल्यू ऐड किया हो, तो डेफिनेटली आप लोग डोनेट भी कर सकते हो। बस गली मोहल्ले की तरह ₹10 डोनेट मत करना, करो तो थोड़े ज्यादा ही कर देना। एंड इमोशन थोड़ा ज्यादा हो गया, बट ये मेरा सॉफ्टवेयर नहीं है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का सपोर्ट मिल रहा है आपको, यानी विंडोज, मैक और लिनक्स वगैरह में आसानी से वर्क कर जाएगा। इस सॉफ्टवेयर में भी अच्छी चीज यही लगी कि आप इसे लो से लो एंड पीसी या लैपटॉप में आसानी से रन करवा पाओगे। तो अगले सॉफ्टवेयर की बात करूं तो आता है एडोब ऑडिशन। ये सॉफ्टवेयर मेरा वन ऑफ द फेवरेट ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है बिकॉज ऑफ डिटेल्ड वर्क। मतलब आप अपने इस सॉफ्टवेयर के अंदर आसानी से अपनी ऑडियो के साथ जितना डिटेल में जाकर एडिटिंग करना चाहते हो, जो कुछ चेंज करना है, मॉड्यूल चेंज करना है, इक्वलाइजर, नॉइस रिडक्शन, जितनी चीजें करनी है सब कुछ कर पाओगे। इस सॉफ्टवेयर को मैं पर्सनली बिगिनर्स को रेकमेंड नहीं करूंगा, आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले थोड़ा सा एक्सपीरियंस लो जो एंट्री लेवल एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उनके साथ में, देन आप लोग शिफ्ट करो एडोब ऑडिशन पे। और जो लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस है वो लोगों को तो कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाला इस सॉफ्टवेयर पर, क्योंकि इसका जो इंटरफेस है ना, वो वैसे तो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड
अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन जो बिगिनर्स है ना उनको एक महीने के बाद ही समझ में आएगा धीरे धीरे, एकदम से कोई डे वन में समझ नहीं आने वाला। एंड यही चीज जो बेसिक और एंट्री लेवल एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें भी आपको 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा। एडोब ऑडिशन में आपको बहुत सारे टूल्स और प्लगइन्स मिल जाते हैं, चाहे वो फर्स्ट पार्टी हो, सेकंड पार्टी हो, थर्ड पार्टी हो, सब कुछ आपको यहां मिलेगा। बल्कि बहुत सारे नहीं, दुनिया भर के जितने टूल्स और प्लगइन्स आते हैं ना वो सब आप एडोब ऑडिशन में यूज कर सकते हो। पोस्ट प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करूं तो यहां आपको एकदम टॉप नॉच क्वालिटी मिलती है, यानी जब आप ऑडियो को एडिट कर लोगे तो जो क्वालिटी निकल कर आएगी वो एकदम टॉप नॉच होगी। एडोब ऑडिशन के अलावा कोई भी सॉफ्टवेयर से वो ज्यादा क्वालिटी आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे जो ये सॉफ्टवेयर देगा। लेकिन ये सॉफ्टवेयर पेड है, अंडर एडोब क्रिएटिव क्लाउड के साथ में आता है और आपको 1600 रुपए की मेंबरशिप देकर के इसको खरीदना होगा एंड उसके बाद आप इसे डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। इसमें भी आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म का सपोर्ट मिल रहा है, विंडोज और मैक में आसानी से यूज कर पाओगे। अब इसकी मेंबरशिप 1600 रुपए की है तो आपको कुछ बातें बोल देता हूं कि अगर आप लोग बिगिनर हो ना तो इस सॉफ्टवेयर को मत परचेस करना, आपकी स्टार्टिंग के 2-3 महीने की मेंबरशिप वेस्ट जाएगी। आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पहले किसी बेसिक या एंट्री लेवल एडिटिंग सॉफ्टवेयर पर जाके ट्राई करो, कुछ टाइम उस पर सीखो कैसे ऑडियो एडिट करना है, कैसे आपको अपनी वॉइस को चेंज करना है और अच्छा बनाना है। तो ये सब चीजें जब आप उस पर सीख जाओ उसके बाद आप लोग रेडी हो जाओगे इसकी मेंबरशिप लेने के लिए, तो आप लोग इसे परचेस कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग वहीं एक्सपीरियंस्ड हो तो आप इस सॉफ्टवेयर को परचेस कर सकते हो, इसको समझने में और एडिटिंग करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये मत बोलना कि फ्री सॉफ्टवेयर बोल तो रहा हूं लेकिन बता नहीं रहा, क्योंकि जो हमारा अगला फर्स्ट ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है ना वो बिल्कुल फ्री में आता है, यस ऑडेसिटी। ये सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स होने के साथ साथ एकदम फ्री सॉफ्टवेयर है जो कि एक बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक के क्रिएटर्स एडिटर्स सबके लिए बना है। एंड आई नो कि आप में से ज्यादातर लोग जो ये वीडियो देख रहे हो वो बिगिनर हो गए, तो आप लोगों को मैं यही सॉफ्टवेयर यूज करने की सलाह दूंगा, क्योंकि एडवांस लेवल के एडिटर्स ऑडिशन वगैरह या ऑडेसिटी ही यूज करते हैं ज्यादातर। इन दो सॉफ्टवेयर्स के अलावा जितने भी बड़े क्रिएटर्स हैं वो आई थिंक कोई और सॉफ्टवेयर शायद कोई यूज करता हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर जितना मुझे पता है वो यही यूज करते हैं। और मेरी प्रेफरेंस पूछोगे तो मैं पर्सनली ऑडिशन यूज करता हूं, लेकिन ऑडेसिटी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, ये भी बेस्ट ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर की वेव फॉर्म मोस्टली एक्यूरेट है, आपको यहां पर ऑडिशन के सारे टूल्स प्लगइन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्टी सब मिल जाएंगे। टूल्स और प्लगइन्स इन सब का काम आपकी वेव फॉर्म पर ही डिपेंड करता है, तो यहां पर जाहिर है आपको क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी एंड एक्यूरेसी लेवल भी काफी हद तक हाई रहेगा। अच्छा, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो इस सॉफ्टवेयर में है ना कि फ्री सॉफ्टवेयर होने के साथ साथ आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स भी मिलते रहेंगे, तो यानी अगर कोई फ्यूचर में कोई नया फीचर या AI वगैरह आने का होगा तो वो भी आपको Audacity के अंदर जरूर मिलेगा। पीछे जितने सॉफ्टवेयर्स बताए उन सबको भी अगर आप अपडेट करना चाहते हो टाइम टू टाइम तो आप लोग सीधा उनके हेल्प सेक्शन में जाकर के उनको अपडेट कर सकते हो। एंड Audacity को डाउनलोड करने के लिए आप सिंपल गूगल पे जाकर सर्च करना Audacity एंड वहां पर आपको फर्स्ट लिंक मिल जाएगा Audacity का, वहां से डायरेक्ट डाउनलोड करो एंड इंस्टॉल करके यूज करो। एंड मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको Audacity पसंद है या ऑडिशन पसंद है या जो पहले आपको दो सॉफ्टवेयर्स और बताए वो पसंद है। सो मैंने आपको बेस्ट ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स बता दिए, अब अगर आप लोग बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स जानना चाहते हो तो जाकर इस वाली वीडियो को चेकआउट करो। मैं मिलूंगा इसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।